सब्सक्राइब करें लर्निंग इज लाइफ यूट्यूब चैनल को, बेल का घंटी दबाए हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज जरूर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, वो जो है आप देखो यहाँ पे टाइम, तो रात को कितना बज रहा है अभी टाइम देखो आप, शायद आप देख पाओगे। और यहाँ पे जो टाइम है अभी जो टाइम चल रहा है वो है मतलब 1:15 बाकी है, तो रात को 1:15 बाकी है और अभी हमने आया है जोमेटो का काम से। तो एक चीज़ होता है ना कि आप लोग बोलते रहते हो कि आप जो है बहुत ही लकी पर्सन हो, ये हो वो हो, मतलब कोई कोई के आदमी ऐसा ही रहता है कि ये फेक बोलता है, ये आदमी फ्रॉड है, तो इस तरीके से जो नेगेटिव बात है चलता रहता है। मगर आप लोग देखते नहीं हो कि बंदा कितना काम कर रहा है, कितना तकलीफ से काम कर रहा है। चलिए, ये तो कुछ टॉपिक था जो दिल का गुस्सा था, मैं आप लोग बोल दिया। बट बात यह है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जोमेटो का जो हमारा रेट कार्ड है उसको कैसे बदले। आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते थे कि जोमेटो का रेट कार्ड कैसे बदले, जोमेटो का रेट कार्ड मेरा कैसा है, वीरेंद्र भाई का कैसा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आता था। इस क्वेश्चन के खातिर दोस्तों मैंने इससे पहले मेरा वीडियो बना के दिया था कि जोमेटो का मेरा रेट कार्ड कैसा है बैंगलोर में, बना के दिया था। बट उससे भी देखे तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हमारा जो रेट कार्ड है उसको कैसे बदले। तो मैं सोच चलो ठीक है, मैं एक्चुअली जो है मेरा जो रेट कार्ड है उसको मैं किया गया था आज का दिन में मेरा कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मेरा रेट कार्ड कैसा है आप लोग देख लो करके। तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट किया कि आपका रेट कार्ड अच्छा है और आप लकी पर्सन हो और ऐसा। वीरेंद्र भाई का एक जो मैंने अर्निंग दिखाया था लास्ट का महीने में 650 ऑर्डर्स था, उसमें उन्होंने 44,000 या फिर 42,000 का अर्निंग्स दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि ऐसा वाला अगर अर्निंग्स करना है तो हमारा रेट कार्ड मिनिमम 30 बेस पे होना चाहिए और 8 rupees पर किलोमीटर होना चाहिए। तो इस तरीके से कॉमेंट आया था। सुबह से मेरा एक दोस्त जो है एक प्रणय करके एक बंदा है जो कोलकाता से है और वो मुझे जो है दो तीन दिन से मुझे मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप में कि भाई रेट कार्ड कैसे बदले, मेरे को अच्छा रेट कार्ड चाहिए, इस बकवास रेट कार्ड के लिए मैं काम करना छोड़ दिया। तो इस तरीके से जो रेट कार्ड के बारे में बहुत सारे कुछ मैसेजेस, बहुत सारे कुछ जो है टेंशन आ रहा है, बहुत सारे कुछ मतलब तो बहुत सारे जो है कन्फ्यूजन है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहा है। तो आज बात करेंगे कि रेट कार्ड को कैसे बदले, रेट कार्ड को बदला जा सकता है या फिर नहीं। देखो, एक चीज़ जो मैंने पैसे से खरीदा था, मतलब एक जो ट्रेनिंग है पैसे से लिया था और मेरा जो टीचर है मुझे बताया था और वो आज मैं आप लोगों को फ्री में बताना चाहूँगा। दो चीज़ है, जब आप किसी से कुछ चीज़ हासिल करना चाहते हो, एक बच्चा जब उसका माँ से दूध पीना चाहता है या फिर चॉकलेट लेना चाहता है, या फिर एक बेटा जब आपका आपके बाप से जो है बाइक का की लेना चाहता है, या फिर अपना आपके लिए खुद का एक मतलब वीकेंड में के लिए पैसा चाहिए रहता है, तो जो भी कुछ चाहिए रहता है किसी को, अगर किसी से अगर आपको कुछ चाहिए रहता है तो दो चीज़ आप करते हो, हालांकि हम तीन चीज़ करते हैं, मेन जो है तीन चीज़, वो एक चीज़ मैं बंद रखता हूँ, वो ट्रेनिंग के अंदर का है। तो दो चीज़ बताता हूँ, दो चीज़ जो है, एक जो है कन्विंस करो और दूसरा जो है कन्फ्यूज़ करो। कन्विंस और कन्फ्यूज़, कन्विंस बोले तो आप किसी को मनाओ कि भाई ऐसा 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 है, आप ले सकते हो, मैं भी कर रहा हूँ, आप कर सकते हो, किसी को कन्विंस करो। दूसरा जो है कन्फ्यूज़ करो, मतलब उसको थोड़ा गुस्से से बताओ या फिर मतलब उसको थोड़ा उल्टा सीधा बता दो कि उसको समझ में आ जाए। तो ये जो है कन्फ्यूज़, एक जो है कन्विंस और दूसरा जो है कन्फ्यूज़। तो सबसे पहली बात है, अगर आपको रेट कार्ड चेंज करना है तो एक काम करो, अपना जो जोमेटो का एप्लीकेशन है उसके अंदर जाओ, जो हेल्प सेक्शन में जाओ, हेल्प सेक्शन में जाने के बाद वहाँ पे आदर्स करके जो मतलब टिकट रेस करो, नया टिकट रेस करो। अभी जो है ऑफिस तो बुरा बंद है, ऑफिसेज बंद है, तो आप जो है ऑफिस में जाओगे कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ओनली जो ऑप्शन है कि आपको जो है चैट सपोर्ट का ऑप्शन रहता है, अभी उस चैट सपोर्ट के अंदर क्या है, लाइव ओरा में रहोगे तो आपको जो है चैट सपोर्ट मिलेगा, लाइव ओरा में नहीं रहोगे तो आपको चैट सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। अगर आपने टिकट रेस करोगे तो 48 आवर्स के अंदर आपको जो है कुछ आंसर आ जाता है, उस टाइम तक आपको जो है वेट करना पड़ता है। देखो, एक चीज़ क्या है, एक चीज़ सबसे पहले जरूर से जरूर ध्यान रखिए, कल का जब मैं लाइव में था, कल शायद सैटरडे के दिन में मैं लाइव में था, वहाँ पे एक बात चीज़ बताया था कि अमेजन फ्लेक्स ने हमें पैन इंडिया में रेट दे रहा है 480 rupees पर 4 hours का, मतलब एक घंटे का 120 rupees रेट दे रहा है अमेजन इंडिया ने। तो वही अगर देखो अमेजन USA या फिर अमेजन UK, वहाँ पे जो फ्लेक्स वाले को रेट देता है 4 घंटे के लिए $10, $10 इस तरीके से रेट देता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, समझने का कोशिश करो, अगर किसी को, अगर आपको कुछ फ़ायदा है कोई एक सिटी से, कोई एक जगह से, कोई एक पोजीशन से, तो वहीं पे आप खर्चा करोगे, है ना। देखो, अगर आपको कोई चीज़ में फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई जगह से आपको जो है कुछ
इंडस्ट्री में फायदा नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे खर्चा नहीं करोगे। तो अगर आपका फैक्ट्री बनाने का है, अगर आप रिवर के साइड फैक्ट्री बनाओगे तो आपको फायदा है तो ही पे आप खर्चा करोगे। अगर आप सिटी के अंदर फैक्ट्री बनाओगे तो आपको खर्चा ज़्यादा है तो वहाँ पर फैक्ट्री नहीं बनाओगे। तो सिंपल सा मैटर कहने का मतलब यही है कि जोमेटो का अगर बिजनेस बैंगलोर में ज़्यादा है तो वहीं पे आप वो क्या करेगा, अर्निंग ज़्यादा है तो क्या करेगा, जो हमारा डिलीवरी पार्टनर्स है उसको ज़्यादा अच्छा से रेट कर देगा और उसको जो है अच्छा से इनकम भी देगा। अगर मान लो कि जोमेटो का इनकम जो है टुमकुर में, गुलबर्गा में, कहीं और सिटी में, कोलकाता के अलावा, मतलब कोलकाता जो मेन सिटी है वहीं से तरह बाहर जाएंगे, हावड़ा इस तरीके से जो सिटी है, पुणे का सिटी में, अगर मुंबई की बात करूँ मुंबई सिटी छोड़ के जाकर पुणे सिटी में, दिल्ली का बात करें तो दिल्ली का जो मेन सिटी छोड़ के थोड़ा इधर उधर जो नया इस तरीके से सिटीज़ है, चेन्नई में, चेन्नई छोड़ के थोड़ा जो इधर उधर से सिटीज़ है, तो वहीं पे अगर उनको अर्निंग ज़्यादा नहीं मिल रहा है, उनको जो है प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो सिंपल सा बात है कि आपको जो है मतलब रेट कार्ड भी इस तरीके से कम ही मिलेगा। तो हमारा रेट कार्ड ज़्यादा है इसे देख के जो है गुस्सा मत हो जाइए, या फिर जो है मतलब ये मत बोलिए कि भाई के इतना ज़्यादा है तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो है मेट्रो सिटीज़ में है तो बेंगलोर में, कलकत्ता में और मुंबई में, इस तरीके से जो मेट्रो एकदम जो मेन सिटीज़ है वो मेन सिटीज़ का हम जो है रहते हैं कि एक जो बेंगलोर है वहाँ पे अगर मेन सिटी का जो मेन जो पॉइंट है उसको लेके अगर मैं सर्किल बनाऊँ तो 20-30 किलोमीटर के अंदर हम रहते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा खर्चा भी ज़्यादा होता है। ठीक है, खर्चा भी ज़्यादा होता है, पेट्रोल का कॉस्ट भी ज़्यादा है, जो ट्रैफिक है ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, उसके चलते हमारा अर्निंग्स भी ज़्यादा होता है, तो ये सब कुछ है। रिस्क भी ज़्यादा है, उतना गाड़ी के अंदर हम गाड़ी चलाना रिस्क भी बहुत फैक्टर होता है, पुलिस वाला का टेंशन रहता है, गाड़ी हम रखते हैं एक सेकंड में देखते हैं कि गाड़ी उठा के लेकर चला जाता है, रात को 12 बजे के टाइम पे मैं डिलीवरी कर रहा था, वो टाइम पे भी पुलिस वाला गाड़ी टोइंग कर रहा था। अगर आपको मतलब उसके लिए भी आपको लगे मैं फेक बोल रहा हूँ तो उसके लिए भी मेरे पास फोटो है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बहुत सारे टेंशन के अंदर काम करते, तो इसीलिए दोस्तों हमारा रेट कार्ड ज़्यादा है। अभी मेन चीज़ क्या है, रेट कार्ड कैसे बदले, रेट कार्ड दूसरा तो एक दो तरीका है। एक जो करो कि आपका जो हेल्प सेक्शन में जाओ, वहाँ पे जाके आप जो है टिकट रेस करो। कौन सा सेक्शन में जाओगे आप जाओ कि अपना जो प्रोफाइल सेक्शन है, प्रोफाइल अदर सेक्शन में जाओ और वहाँ पे प्रोफाइल को जो अपडेट करने का सेक्शन है वहीं पे जाओ, क्योंकि दूसरा कुछ भी ऑप्शन वहाँ पे नहीं है। तो प्रोफाइल अपडेशन के ऑप्शन में जाओ और यहीं पे लिखो, पहले तो आप इंग्लिश में लिखो, अगर आपको नहीं है तो किसी दूसरे से लिखाओ, इंग्लिश में लिखो, उसके बाद उसी चीज़ को हिंदी में दोहराओ। ठीक है, रिपीट करो, हिंदी में दोहराओ, क्योंकि जोमेटो का जो सपोर्ट है वो इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, तो किसी बंदे को अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में वो सपोर्ट जो है आपको समझ में आ जाएगा उसको। तो आप ऐसे करके लिखो, सर मैं जो है एक लॉयल डिलीवरी पार्टनर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ आने वाला दिन में, और मुझे प्लीज़ मेरा रेट कार्ड चेंज करवा दीजिए, अगर जो सबसे बेस्ट रहेगा मेरा सिटी के अंदर उसी को थोड़ा लगवा दीजिए। तो ऐसे आप जो है एक टिकट रेस करो, और टिकट रेस करने के बाद आपको 48 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि आप जो है वहाँ पे आपका सिटी में जो रेट कार्ड चल रहा है, ठीक है ना, उसी रेट कार्ड आप मतलब आप जो है बेंगलोर का कोई रेट कार्ड मांग लोगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका कलकत्ता में या फिर आपका पुणे में जो रेट कार्ड मिल रहा है उसी रेट कार्ड ही आपको मिलेगा। हाँ, ऐसा है कि जो दूसरे को मिल रहा है आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपको ही मिल जाए। ठीक है, एक बात है। दूसरा बात है, हम जो है प्रीमियम डिलीवरी पार्टनर का अलग रहता है। ठीक है, प्रीमियम डिलीवरी पार्टनर के क्या है, रेट का सभी सेम है, बट उसमें क्या है एक्स्ट्रा जो है एक बूस्टिंग के जैसे मिलता है। बूस्टिंग क्या मिलता है कि आपको जो है एक्स्ट्रा 15-10 रुपये जो डिनर पिक में और लंच पिक में रहता है वो हमें मिलता है जो प्रीमियम डिलीवरी पार्टनर। अभी आप पूछोगे कि आपके पास एक बॉक्स नहीं है, आपके पास बैग है, आप पूछोगे कि मेरे को वो पी चाहिए, मतलब दोपहर का लंच में या डिनर पिक में जो बूस्ट मिल रहा है 10-15 रुपये एक्स्ट्रा 60 रुपये मिल रहा है वो भी हमें चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, रही बात दूसरा आपके पास साइकिल आईडी है, तो साइकिल आईडी है आप चाहते हो कि मेरे पास जो बाइक आईडी वाला का जो रेट कार्ड है वो मुझे मिल जाए, ये भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको बाइक आईडी है मतलब मामूली आईडी है और आपको रेट कार्ड कम है बट आपका सिटी में कहीं दूसरे को भी रेट कार्ड ज़्यादा है, तो ऐसे में आप उसको जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मेरा रेट कार्ड चेंज कर दो। ये तो था पहला तरीका कि आप उनको कन्विंस किया, दो दिन वेट करो, अगर मिल गया तो मिल गया, अच्छा होगा तो अच्छा हुआ। तीसरे दिन में जाके आप जो है मतलब एक काम करो ना कि कन्फ्यूज कर दो कि सर मैं बोल रहा था मैं काम करना चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ, आप लोग नहीं कर रहे, ऐसा करोगे तो कोई ऐसा करेगा, मेरे पास बहुत सारी इनकम हो रहा है, मेरे पास दूसरा कंपनी भी है, मैं डेंजो में इतना अर्निंग कर रहा हूँ, रैपिडो में इतना अर्निंग कर रहा हूँ, रैपिडो वाला हमें इतना अर्निंग देता है, जो उबर वाला इतना अर्निंग देता है, कन्फ्यूज कर दो। एक तो था पहले सीधे हाथ से घी निकालना, नहीं हुआ, अभी नेक्स्ट टाइम जो है आप उल्टे हाथ से निकलो, मतलब दोनों तरफ पे कर लो ना, एक सीधे हाथ से कन्विंस कर लो, दूसरे हाथ से जो है कन्फ्यूज कर लो
क्योंकि एक बंदा मेरे से बात कर रहा था कि भाई मेरा ये बकवास हेड कट के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, प्रणय, एक्चुअली मैं प्रणय का मतलब प्रणय का ही वीडियो ही बना रहा हूँ, तो बोल रहा था। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि रेड कार्ड के खराब होने के लिए काम नहीं कर रहा है। अगर आप दिल में सोच ही लिया है कि मैं काम नहीं करूँगा तो कन्फ्यूज तो कर सकते हो ना भाई, मेरे को कंपनी वाला दूसरे कंपनी अच्छा तरह सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर, हमारा रेड कार्ड भी ज़्यादा कर दीजिए सर, मतलब तो थोड़ा सा गुस्से का हिसाब से आप बात कर सकते हो, बट चैट में लिख सकते हो, बट ये भी करना गलत है मैं बोल रहा हूँ, बट कन्फ्यूज आप कर सकते हो, ठीक है, मतलब कहीं से अगर सीधा से उंगली उंगली से घी नहीं निकलता थोड़ा सा उंगलियाँ सीधा कर सकते हो, तो ये दो तरीका है। बट अभी आता है मेन मुद्दे में कि रेड कार्ड चेंज होता है या फिर नहीं। मेरे हिसाब से जो भी कर लो भाई रेड कार्ड चेंज नहीं होगा, तो मुद्दा यही है कि आपको जो है रेड कार्ड चेंज नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात यहीं पे ये भी है कि कंपनी किसका बात सुनता है, कंपनी उसी का बात सुनता है जो कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू शेयर करने का ऑप्शन देता है। तो अगर आप ज़्यादा डिलीवरी करोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक महीना दो महीने काम नहीं किए हो पटक से आ गया रेड कार्ड चेंज कर दो, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, एक महीने दो महीने काम कर रहे हो, कंटिन्यू काम कर रहे हो, अगर आप लंच पीक में भी काम कर रहे हो, डिनर पीक में भी काम कर रहे हो, ऐसे में भी आपको जो है कुछ तकलीफ आ रहा है, तभी कंपनी आपको जो है बात है ना एकदम चटक से सुनता है। वीरेंद्र का आईडी दो दो बार ब्लॉक हो गया था, दो दो बार प्रॉब्लम हो गया था, किसी दूसरे का आईडी जल्दी से जल्दी मतलब खाली नहीं हुआ, मतलब जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, मगर वो ऐसा बंदा है कि महीने का 400-500-600 डिलीवरी करता है, तो उसका दो दो बार ब्लॉक होने के बाद भी उसको रेडी हो गया, मतलब उसका रेडी करने का जो है ऑप्शन आ गया। तो ये कुछ बात है, आप कंटिन्यू काम करते रहो, डेली का डेली काम करते रहो, डिनर पीक में लंच पीक में काम करते रहो, आपका जो रेटिंग है अच्छा है, आप कस्टमर से अच्छा रेटिंग मांग रहे हो, कस्टमर आपको जो है अच्छा रेटिंग दे रहा है, उसी के साथ साथ जो आपके पास डिलीवरीज है वो आप ऑन टाइम में डिलीवरी कर रहे हो, डेली अगर आपका 20 डिलीवरी कर रहे हो तो उसके अंदर जो है 15-16 डिलीवरी आप ऑन टाइम में कर रहे हो, खाली अगर 2-3 डिलीवरी ऑफ टाइम मतलब डिले होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसी के साथ साथ कस्टमर्स के आसपास बात कर रहे हो, कस्टमर कुछ भी बैक जो है मतलब कुछ भी आपको लिए कुछ कंप्लेन नहीं करना है, फूड जो भी आपको ऑर्डर आते हैं हर ऑर्डर को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एक भी ऑर्डर को डिनियल नहीं कर रहे हो, मतलब नहीं ले रहा ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भी ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर रहे हो, कस्टमर के लोकेशन में जाके कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कस्टमर केयर से चैट करके, अगर कस्टमर केयर से कुछ कैंसिल होता है तो अलग बात है, कस्टमर कैंसिल करते तो अलग बात है, आपकी तरफ से कुछ भी कैंसिलेशन नहीं है, आपकी तरफ से कुछ डिनियल नहीं है, ऐसे में अगर आप काम करते हो एक लॉयल डिलीवरी पार्टनर के हिसाब से काम करते हो सकता है आपका जो है बात कंपनी वाला सुने। तो यही कुछ था दोस्तों, मेरा जो भी कुछ एक्सपीरियंस था, जो भी कुछ मेरा दिमाग में था मैं आपको बता दिया है रेड कार्ड के बारे में, रेड कार्ड कैसे चेंज करें, हमारा रेड कार्ड क्या है, जो भी कुछ है। उम्मीद करूंगा जो नेक्स्ट से आप लोगों का ये कन्फ्यूजन है नहीं रहेगा कि रेड कार्ड कैसे चेंज करें, रेड कार्ड चेंज किया जा सकता है या फिर नहीं, रेड कार्ड के बारे में जो भी कुछ दोस्तों डिटेल्स वगैरह जो भी कुछ है, उम्मीद करूंगा आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है पूरा के पूरा क्वेरीज जो कुछ था एकदम पूरा सॉल्व हो चुका है। जाने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो का अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करो अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग, थैंक यू, बाय बाय।